कुछ नहीं है, वो ओबीसी नाम का है। फिर यहाँ क्यों बैठाए हैं, यहाँ क्यों बैठाए हैं, जेल में डलवा दें। अगर मोदी जी इतना ही अच्छा कार्य कर रहे हैं तो उनको जेल में डलवाएं। कौन से सी हैं वो तो वही जानते होंगे, चिकने घड़े पर क्या फर्क पड़ेगा। वो उनको तो प्रोटेक्शन है मनुवाद की तरफ से, समाज को जागृत होकर के देना चाहिए। और जिनकी सह पर हो रहा है, जिनको ज्यादा ताकत मिल रही, प्रोटेक्शन मिल रहा है, वो सिर्फ सत्ता पे बैठे हुए लोगों का सह है। आज तो राजनीति नहीं कर रही ना वो, आज तो अधिकार मार्च रैली निकाल रही है, देश के आवाम को जगा रही है, बहुजन समाज को जगा रही है। ए बहुजन समाज के लोगों, तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ऐसा हुआ है, इसका मैं एग्जांपल। देखिए आरएसएस की एक बहुत बड़ी चाल होती है, उन्होंने नरेंद्र मोदी को ओबीसी लेके आए, पूरा देश के अंदर मोदी मोदी करा। ओबीसी के जितने भी जो लोग हैं वो सारे के सारे ब्राह्मणवाद को ढो रहे हैं। जितना ब्राह्मणवाद को ढो रहे हो उतना ही आरएसएस बीजेपी तिलकधारी और ये जनेऊधारी है सारे के सारे फूलेंगे फलेंगे, सरकार को ही हिला देंगे 2024 में। अगर वो ओबीसी हैं तो एससी एसटी ओबीसी के लोगों के ऊपर कुठाराघात क्यों हो रहा है। नमस्कार, मैं नूर झा और आप देख रहे हैं जनित आवाज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ 8 फैकल्टी के गेट नंबर 4 के सामने। यहाँ पे आप देख सकते हो कई सारे लोग आए हुए हैं और हम आपको बता दें कि डॉक्टर रितु जो हैं उनके समर्थन में आए हुए हैं, उनको लेके आए हुए हैं। आज एक रैली निकलेगी यहाँ पे डॉक्टर रितु के समर्थन के लिए ही। जो डॉक्टर रितु हैं वो एक प्रोफेसर हैं जिनको दलित होने के कारण निकाल दिया गया, दौलतराम कॉलेज से उनको निकाल दिया गया। और डॉक्टर जो सविता रॉय है उस पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने निकाला है, और डॉक्टर सविता रॉय पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने निकाला है उनको, एक दलित होने के कारण उनको निकाल दिया गया। और डॉक्टर जो डॉक्टर रितु सिंह है वो यहाँ पे 2 महीने से ज़्यादा हो गए हैं उनको बैठे हुए, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकला। इससे पहले भी उन्होंने एक रैली निकाली थी दौलतराम कॉलेज तक की, और फिर से आज वो यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, लोग आए हुए हैं और रैली निकाल रहे हैं। तो यहीं पे हम लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जो डॉक्टर रितु सिंह है उनको 2 महीने से ज़्यादा हो गया है, आज फिर एक बार वो रैली निकाल रहे हैं, तो क्या लग रहा है, कुछ निकल के सामने आएगा? देखिए जी, संघर्ष ही जीवन है। मैं तो जितना पढ़ा हूँ अपने जीवन में, संघर्ष ही जीवन है और संघर्ष से रास्ता निकलता है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र का यह एक तरीका है कि आप अपने क्राउड के साथ, लोगों के समर्थन के साथ आप संघर्ष करिए, निकलेगा क्यों नहीं। हम तो आशावादी लोग हैं, अंबेडकरवादी लोग हैं, संघर्ष का रास्ता नहीं छोड़ेंगे, संघर्ष उनका जारी है, हम सब साथ हैं और कुछ ना कुछ जरूर होगा। लेकिन 2 महीने से ज़्यादा होने को आए हैं लेकिन अभी तक कोई हल निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। मैम शायद आपको ये नहीं पता है कि वो अकेली सस्पेंड माना अगर हुई हैं यहाँ से दौलतराम कॉलेज से, तो यह जन लोगों में फैला है, लोगों में फैला, जन में फैला है, ये जन आंदोलन का रूप बन रहा है। अगर समाज के बुद्धिजीवी लोग और जो राजनीति करने वाले लोग हैं, सामाजिक वर्कर हैं, वो इसको जन आंदोलन बना देंगे पूरे देश में। जन आंदोलन बनेगा, जमाना के लोग जागेंगे, बहुजन समाज जागेगा, हम तो एक ही बात कहेंगे, चोर लुटेरा भागेगा। लेकिन इससे पहले भी एक शाहजहांपुर की घटना थी, वहाँ पे एक लड़की के साथ गैंगरेप कर दिया जो दलित थी, तो कब तक मतलब दलित ऐसे सहते रहेंगे और कोई आवाज़ नहीं उठाएगा उनके लिए? देखिए जी, रोज फूलन देवी तो पैदा नहीं होती हैं, दलितों के साथ तो आए दिन में होता है। साहब कांशीराम तो बहुत बड़ी बड़ी मिसालें दिए, उन्होंने तो करके दिखाया। यहाँ तमाम सारे, मैं तो जानता हूँ कि 99% खड़े लोग जो भी हैं सब साहब कांशीराम के चेले हैं, सब शिष्य हैं। किसी ने उनके साथ काम किया है, किसी ने उनके साथ लग के काम किया है, किसी ने उनको फॉलो किया है। तो गैंग रेप हुआ है, उसका अंजाम समाज को जागृत होकर के देना चाहिए। और जिनकी सह पर हो रहा है, जिनको ज़्यादा ताकत मिल रही, प्रोटेक्शन मिल रहा है, वो सिर्फ सत्ता पे बैठे हुए लोगों का सह है। ऐसा हो रहा नहीं तो इस अपराध में तो लोगों को सजाए मौत भी है, तमाम सारे ऑफेंस हैं, ये सब आप लोग जानते हैं। तो क्या लग रहा है मतलब कब तक डॉक्टर रितु सिंह को ऐसे बैठना पड़ेगा धरने पे, कब तक हल निकल के आएगा? देखो जी, संघर्ष जारी है, मनुवादी लोग हैं जो विषमता चाहते हैं, वो बहुजन समाज के लोगों को, खासतौर से दलित लोगों को फूटी आंखों से भी नहीं देखना चाहते।
और पढ़ लिख करके अच्छे कपड़े पहनकर फर्राटेदार जीभ टेढ़ी करके अंग्रेजी बोले उनको अच्छा नहीं लगता। तो वो लोग तो चाहते हैं कि संघर्ष ज्यादा चले और हम भी पीछे नहीं है। तो डॉक्टर रितु सिंह जो कब से धरने पे बैठी हुई, उन्हें कह रहे हैं कि वो फंड ले रही हैं बैठे बैठे। फंड क्या ले रही हैं? फंड ले रही हैं, पैसे ले रही हैं। ले रही, कौन दे रहा फंड? समाज उनका है, वो समाज की बहन है, समाज की बेटी है। अगर हम उनके साथ आए हैं तो उनको फंड हम कहाँ दे रहे हैं? हम तो उनको जान देने की बात कर रहे हैं, उनके लिए जान देंगे। लेकिन कह रहे हैं ऐसे धीरे धीरे करके वो राजनीति में आ जाएंगे। तो राजनीति करना कौन सा बुरा है? बाबा साहब ने खुद कहा था, फर्स्ट द एजुकेशन देन पॉलिटिक्स। अगर राजनीति करती है तो क्या बुरा है? आज तो राजनीति नहीं कर रही ना वो, आज तो अधिकार मार्च रैली निकाल रही है, देश के आवाम को जगा रही है, बहुजन समाज को जगा रही है। ए बहुजन समाज के लोगों, तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ऐसा हुआ है, इसका मैं एग्जाम्पल हूँ। लेकिन आज फिर से एक बार रैली निकल रही है और दौलतराम कॉलेज तक जाएगी, तो लग रहा है डॉक्टर सविता रॉय को इससे कुछ फर्क पड़ने वाला है। देखो जी, चिकने घड़े पर क्या फर्क पड़ेगा, वो उनको तो प्रोटेक्शन है मनुवाद की तरफ से, ऊपर से प्रोटेक्शन है उनको, उनकी छाया बनी हुई है, उन्हें क्या फर्क पड़ेगा। जब चूल्हे हिलेंगी मनुवाद की ना, जब हर इंसान जागेगा, बहुजन समाज का लोग समझेगा, जागेगा, तब उनको फर्क पड़ेगा। और ये फर्क तो मेरे से जा रहा है। आज का जो मीडिया है, आज के आपका सोशल मीडिया है, इन तमाम मीडिया प्लेटफार्मों से आज उनको एहसास हो रहा है। लग रहा है सरकार कोई एक्शन लेगी उनके। सरकार हिलेगी मैम, सरकार हिलेगी, सरकार समझ रही। 2024 में हम लोग हिला देंगे। अच्छा। सरकार को ही हिला देंगे 2024 में। वो तो लाल किले पे झंडा फहराने जा रहे हैं मोदी जी फिर से। बस यही 2-4 महीने और बाकी का टाइम उनका खत्म हो गया है। अब जाएगी और सदियों से चली जाएगी ये सरकार। लेकिन अभी जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उसमें तो सरकार बनती भी नजर आ रही है। कौन कह रहा है? ये मीडिया भी उन्हीं का है और ये पत्रकार भी उन्हीं के हैं। दिखावा बस यही है कि जो वो फ्रंट पे नहीं है वही दिखाते हैं, बाकी जो स्पेशल है वो छुपा लेते हैं। पर वही तो SC ST OBC के लिए काम कर रहे हैं। कौन कर रहा है? मोदी जी। तो फिर यहाँ क्यों बैठाए हैं? यहाँ क्यों बैठाए हैं? जेल में डलवा दें। SC ST की तो वो भी बैठी है यहाँ। अगर मोदी जी इतना ही अच्छा कार्य कर रहे हैं तो उनको जेल में डलवाए। वो तो खुद OBC है ना, तो काम तो करेंगे। कुछ नहीं है, वो OBC नाम का है। तो वही जानते होंगे कौन से सी है, वो तो वही जानते होंगे। लेकिन OBC है, OBC। अच्छा, वो OBC है। मैं तो जी मैम ABC पढ़ा हूँ। अगर आप OBC बता रही हैं तो हम इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो OBC हैं। अगर वो OBC हैं तो SC ST OBC के लोगों के ऊपर कुठाराघात क्यों हो रहा है? मेरा उनसे सवाल है। कौन है OBC? मोदी जी OBC है। अरे नहीं, OBC नहीं है, खुद कह रहे हैं वो। देखिए, खुद तो मैं भी कह दूं, मैं देश का प्रधानमंत्री हूँ, मान लेगा कोई? ऐसा नहीं होता। नरेंद्र मोदी जी जनरल में हैं, वो OBC में 2002 के अंदर अपने आप को उन्होंने जब मुख्यमंत्री थे तो स्थापित किया। अब पूरे देश के अंदर देखिए, RSS की एक बहुत बड़ी चाल होती है, वो क्या करते हैं कि किसी भी तरीके से लोगों को इतना मोटिफाई कर दो, इतना मतलब उनको पजल कर दो कि वो वही चीज़ बोलने लग जाए। तो उन्होंने नरेंद्र मोदी को OBC लेके आए, पूरा देश के अंदर मोदी मोदी करा, दिल्ली मोदी चलो। अब OBC के लोगों को जानकारी है नहीं, ना पहले थी ना आज है। OBC के जितने भी जो लोग हैं वो सारे के सारे ब्राह्मणवाद को ढोरे हैं, और जिसका खामियाजा RSS BJP ने उठा लिया है। अब ये तो OBC के लोगों को समझना पड़ेगा, ये तो उनको समझना पड़ेगा कि भाई हमने अब आगे करना क्या है। देखिए, तमाम सारे OBC के लोग हैं, वो चाहे वो कावड़ में लगे हुए हैं, चाहे वो मंदिरों में। अभी मैं देख रहा था, कल परसों एक त्यौहार था, दशहरा वशहरा कुछ बताते हैं, तो सारे बगैर कहे बगैर बुलाए लाखों की भीड़ें जा रही थी। अगर उनको पूछें हमें कि ये यहाँ पे रितु बैठी है, और इससे पहले थोड़े दिन पहले पहलवान बैठी थी दिल्ली के जंतर मंतर पे, भाई आप लोगों को मंदिरों की बजाय, दशहरा दिवाली की बजाय, करवा चौथ की बजाय एक बार कम से कम इधर भी आके देख लो। जितना ब्राह्मणवाद को ढो रहे हो उतना ही RSS BJP
तिलकधारी और ये जनेऊधारी है सारे के सारे फूलेंगे फलेंगे, ना आपको शिक्षा मिलनी, और मिल भी गई शिक्षा तो काम करा तो है शिक्षा के ऊपर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाए हैं। हाँ बाप बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, शिक्षा का बजट घटा दिया है, नौकरियां दी नहीं, और आप कह रहे हो 2 करोड़ रोजगार दिया है, 2 करोड़ शिक्षा नीति में क्या किया, 2 करोड़ तो बिहार में 1,20,000 बिहार की सरकार ने अभी दिया है, तो ये समझना पड़ेगा। जहाँ जहाँ बहुजनों की सरकार रही है, चाहे यूपी की बात कर लें चाहे वर्तमान में बिहार की, जातिगत जनगणना का मामला अगर आया तो वो भी बिहार से आया है, तो तमाम सारी जो चीज़ें हैं बीजेपी ने हमारे को ठगने का काम किया है, और हम किसी भी एंगल से अब हार मानने वाले नहीं है, क्योंकि ये जो दिल्ली के जो गेट है फैकल्टी नंबर 4 है, इस तरह के गेटों पे हमारे जो बच्चे हैं एंट्री कर चुके हैं, वो पढ़ेंगे लिखेंगे और आगे बढ़ने का काम करेंगे। क्या लग रहा है जो ये डॉक्टर रितु सिंह का प्रोटेस्ट है, 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, कोई हल निकल के आएगा? देखिए मैडम आप तो कह रहे हो हल निकलेगा, हल तो देख तो ले ना, इधर सिंह निहंग सिंह आए हुए हैं और देखिए पंडाल कैसे भरा हुआ, और अभी तो लोग समय है, अभी हमारे पास पीक 1 घंटा और बचा हुआ है, जैसे ये रोड पर चलेंगे आप ही बताएंगे देश दुनिया को कि अब जो है बहुजन समाज दिल्ली के अंदर घेरने की तैयारी कर रहा है। रैली कहां तक जाने वाली है? ये रैली देखिए अभी वो रोड मैप आया नहीं है मेरे पास में, यही पास में ही जहां इनका जहां ये अधिकार मार्च का जो वो बनाई है ना, ये यहीं पर आस पास इसी जोन में रहेगी, लेकिन सवाल यही आ रहा है कि हम तमाम सारी चीज़ों से आगे निकल करके आज लड़ने की कागार पाए, अपने राजनीतिक हक अधिकार के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताइए आप ओबीसी करे हो, उनका ना समझ माँ ओबीसी का है तो हम क्या करें? बाबा रामदेव को घाघरी पैर का यहाँ से भगाया, ओबीसी था, छुट्टी चोर कया अखिलेश को, और उसका वो दुआया उनका ना समझ, मलाई चाटन के चक्कर में वो उड़े पड़े हैं। लोहार था बिट्टू हैं, बिट्टू बजरंगी लोहार था, उसको पिटवा मोनवी यादव, यादव था ठीक है, एक हमारा हरियाणा का था सर छोटू राम मुख्यमंत्री, उसका बाप सांसद रहा, उसका हमारा दादा वो था उसका मुख्यमंत्री का दादा था मातू, मातू ने जिन्हें पैर लिया था पेंट तो नागर निकलवा दिया, तुम शुद्ध रहो और फिर भी नहीं समझ पाओ तो हम क्या करें? हम शुद्ध रहें ओबीसी, जब तक हम ओबीसी शुद्ध निकलने लगेंगे जब तक हम ऐसे रहेंगे, क्योंकि योगी महाराज ने भी कहा था हनुमान जी तो शुद्ध रहे, ठीक है, ये बात लोगों अगर समझ में ना हो तो हम क्या करें? आस्ता आस्ता समाज जगेगा, सब ठीक हो जाएगा। तो इन लोगों से हमने बातचीत करी और इन्होंने बता रहे हैं कि जो डॉक्टर रितु सिंह का जो प्रोटेस्ट है आज उसकी रैली निकलने वाली है, 2 महीने से ज़्यादा हो चुका है, तो देखते हैं अब आगे क्या होता है, डॉक्टर सविता रॉय को निकाल दिया जाए कॉलेज से क्या होगा, तो हमारे साथ बने रहिए और देखते रहे जनता आवाज़।